देख देख शर्म नहीं आई आगे मेरे कमरे में, देख 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 शर्म नहीं आ रही, बोले जा रही है क्या कांड किया कि ज्योति को निकाल दिया तुम्हारे कमरे से। देख मैं तेरे को बताती हूँ बात, वो ना पूरी रात उस बंदे से बात करती रहती, यार मेरे को भी सोना होता है, मेरे को पढ़ना होता है, सुबह उठना होता है, टाइम देखना होता है, पर वो पूरी रात मेरा सर खाती रहती, कहाँ करूँ मैं। और इसलिए मैंने उसकी कंप्लेंट करके उसको भगा दिया, मेरे को क्या पता था तू इसी रूम में आ जाएगी। अबे ओए मेरे को ना बिल्कुल भी शौक नहीं है तेरे कमरे में आने का, तेरे को तो मैं देख के गली में किलस जाती थी, गंदी सी बदबू आती है तेरे से। आई बड़ी, मेरे को नहीं शौक तेरे कमरे में आने का, वो तो तेजस्वी है इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, अपने आप को देखा गटर की नाली की गीड़ी है तू, गीड़ी है, वो जो सुअर होता है ना, सुअर ऐसी है तू। नाली का कीड़ा बोल गया, नाली का कीड़ा, खुद को सुअर जैसी दिखती है, शक्ल देखी अपनी। ज्यादा मत बोल ठीक है, मेरे से ना मैं ना तेरे को बहुत मारूंगी, अगर तेजू आ गई ना मैंने उसको सब बता देना तू मेरे से लड़ रही है। आएगी बैंड बजा के जाएगी तीनों की कि पूरा हॉस्टल सर पे उठा रखा है। हाथ दे, तू भी हाथ दे, अब से हम तीनों दोस्त हैं, समझ गए? Yes! ओ देख 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 ये देख आस्था कैसी लग रही है, ये वो है आस्था। अरे हाँ ना, अरे यार जा झूठ मत बोल, आस्था तो ऐसी होती थी ना। हाँ यार बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये तो भैंसासी नहीं हो रही। देखा कितना खाती है। और ये देख ये देख ये देख ये देख वो आंटी हेलने नहीं देती थी हमें। ये वो है क्या तनेजा आंटी? हाँ। अबे यार इससे बेकार औरत नहीं देखी मैंने, इतनी बेकार है पता है। एक दिन आई मेरे घर पे, मेरी मम्मी को पट्टी पढ़ा रही थी कि शीला की मम्मी ये वो, तो मेरी मम्मी ने बोला शीला के साथ मत रहो। भाई साहब इससे बुरी आंटी नहीं देखी मैंने, हर जगह चिक चिक गली में, हर दूसरे बंदे से चिक चिक होती है उनकी। मैं तेरे को बताती हूँ ये जो आस्था की हम बात कर रहे हैं है ना, ये ना ऐसी सी होती थी हमारे स्कूल में, हर लड़के के पीछे पड़ती थी। अबे सुन तो, वो तनेजा आंटी ना तनेजा आंटी पता है अपने बच्चों के बारे में तो देखती नहीं, मेरे को उल्टा बोलती रहती। हो गया तुम दोनों का? नहीं हम बातें कर रहे हैं अभी। क्या खत्म हो गया? लड़ाई तुम दोनों की, सुबह तो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे और अब देखो यारी दोस्ती हो रही है। ले अभी कर लेती हूँ। अरे नहीं यार मत लड़ो। हाँ तो तूने ही तो बोला था कि एक साल साथ में रह रहे, तो मैंने कहा वाइब वाइब मैच कर लेते थोड़ी। हाँ वो तो है, एक साल तो साथ रहना ही है। अच्छा ये बताओ 12 बज रहे रात के, सोने का क्या प्लान है, सो जाते हैं? तेजस्वी अगर हमें नींद आ रही होती तो मैं क्या इस गंदी सी शक्ल से बात कर रही होती? अब हमारे पास करने को भी कुछ नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम लोगों को सो जाना चाहिए। दोनों तो यहाँ पे बातों में लग गई, मेरे को वहाँ पे अकेला छोड़ रखा था तुम दोनों ने। यार बोर हो रहे थे, बातें ही तो कर रहे थे, और क्या कर सकते हैं बता, छुट्टी पड़ रही है, कोई है ही नहीं हॉस्टल में। हाँ यार छुट्टी से याद आया, छुट्टियाँ हो गई है और सारी लड़कियाँ ना अपने घर चली गई है, तो तू बता जाएगी अपने घर? नहीं यार इस बार नहीं जा रही।
तू जाएगी? यार मैं नहीं जाऊंगी, मम्मी हर बार ना नानी घर ले जाते हैं और वहां जाके काम करना पड़ता है। और मेरा तो तुझे पता है यार, मैं तो कहां ही जाऊंगी घर पर, हॉस्टल ही है मेरा घर। तो फिर छोड़ो ये सब। अच्छा मेरे को ये बताओ, चलो अब सोते हैं, है ना? बेस्ट आइडिया नहीं? नींदारी होती ना तो सो जाते, लेकिन नहीं आ रही ना यार, कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं हो रहा। सोने के अलावा कुछ अच्छा आइडिया है तो बताओ, नहीं तो चुपचाप सो जाओ। चलो सो जाते हैं। मैं बताती हूँ। अरे चुप यार, एक एक करके बताओ वरना फिर लड़ने लग जाओगे तुम दोनों। अच्छा तू बता। ऐसे करते हैं वो ना, लाइट जला के एकदम गपशप वाली बातें करते हैं, प्यार मोहब्बत की मस्त। बेकार आइडिया, रोमांटिक बातें करते हैं। तीन लड़कियां रोमांटिक बातें करेंगी, प्यारी प्यारी बातें। तू बता। यार मैं क्या सोच रही थी, जैसे हम छोटे होते थे ठीक है, पापा लोग रात में कहानी सुनाते थे डरावनी भूतों वाली, तो हम बोरियत से इंटरेस्ट के मारे, डर के मारे तो सो ही जाते थे, है ना? तो हम ऐसे करते हैं, भूतों की बातें करते हैं। हट, 8-9 साल की बच्ची भूतों की बातें करेगी? पता है कब करा करते थे, अब नहीं करना कुछ भी ऐसा। देख देख देख, डर लग रहा था तुझे, डर लग रहा था तुझे भी। मैं क्यों डरूंगी, मैं नहीं डरती भूत वगैरह की बातों से। डर रही है। देख मैं ना पहली बात, इन भूत वगैरह की बातों पे विश्वास ही नहीं करती। भूत पिशाच कुछ नहीं होता, ये सब कुछ ना वहम होता है, वहम, समझ गई? तो मैं नहीं डरती। हाँ नहीं डर रही? नहीं डर रही तो हाँ बोल, हाँ बोल। ठीक है कर लेते हैं, अब यकीन हो गया कि मैं नहीं डरती? अरे मैं सुनाती हूँ, मैं सुनाती हूँ। एक मिनट, ऐसे नहीं, अभी तो हमें माहौल जमाना पड़ेगा, है ना? उसके लिए ना लाइट बंद करनी पड़ेगी और माहौल जमाना पड़ेगा। तो उठ लाइट बंद कर। अरे मैं क्यों जाऊँ, तुम दोनों जाओ ना। अरे लाइट वाइट बंद करनी है, तू उठ ना, चल। अरे यार मेरे को उठाओगे? हाँ खुद का प्लान मेरी बैंड बजा रखी है। yes! तुझे ही नहीं सुनना था तने जो आंटी के बारे में। हाँ भाई बन गया तुम्हारा माहौल, चालू करें अब। माहौल तो अभी बना है, अभी तू कहानी सुन और फिर बताइयो कि भूत में विश्वास करती है या नहीं करती। हाँ ठीक है भाई, सुना दो कहानी भी सुना दो। सुना तेजस्वी, ध्यान से सुन, ये कहानी है एक गर्ल्स हॉस्टल की। कंस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे बच्चे थे नहीं, और हर रात उस कंस्ट्रक्शन वर्कर को छन 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 ऐसी आवाज़ें आती थी। एक रात कंस्ट्रक्शन वर्कर ने सोचा कि ये छन छन की आवाज़ कहाँ से आ रही है, ज़रा मैं भी तो देखूँ। तो वो वर्कर आधी रात को उठा, पूरे 3 बजे जो कि अभी बज रहे हैं, और हॉस्टल में कोई है नहीं। उसी तरह से कंस्ट्रक्शन वर्कर चला, जैसे ही वो चलता रहा छन 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 की आवाज़ तेज़ होने लगी, उसकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो गई थी। अब इतने में ही उसने अपने पीछे देखा, और पीछे कौन था? तेजस्वी देख, तू पागल है क्या? डर गई। डरी ना, मैंने तो बोला ही था यार, हम माहौल सेट करेंगे, ये सब करेंगे, और तू पक्का डरेगी। तू ही कह रही थी कि 8-9 साल के बच्चे डरते हैं, देख डर गई। अबे तूने मेरे को हिला दिया, इसलिए थोड़ा बहुत वो हो गया, वरना मैं डरती नहीं हूँ। पहली बात मैं इन बातों पे विश्वास ही नहीं करती हूँ। होगी तेरी कहानी? अबे ओए अपनी शक्ल देख, 12 बज गए तेरी शक्ल पे, डर निकलने वाला है, जाके सुसु कर रहा। यार ऐसे तो मैं तेरे को हिला दूँ, तू भी डर जाएगी। मतलब तेरे को डर नहीं लगता? चल तू मेरी कहानी सुन। अब पता है बहुत साल पुरानी कहानी थी, पता है कब तक की कहानी है? पुश्तैनी कहानी। टीचर ने बताई थी कहानी, बहुत डरावनी, बहुत सदियों पुरानी थी। मेरा जो स्कूल था ना जिसमें मैं पढ़ी हूँ, उसमें ना एक लड़का रहता था, गार्ड अंकल का बेटा। वो ना पूरे स्कूल में रात के 12 बजे चक्कर लगाता था, और फिर उसने देखा कि छत का दरवाजा खुला हुआ है। तो फिर उसने पीछे मुड़कर देखा कि पीछे पीछे उसका कोई पीछा कर रहा है। तो फिर वो चुपचाप छत पे चला गया। खत्म मेरी कहानी, अच्छी थी ना? भाई मैं कह रही हूँ तेजस्वी के रूह का पतंगा कांप चुका है, इसका कुछ नहीं हो सकता, डर चुकी है ये, नींद आ रही है। ये बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी। और तुम दोनों कहते भूत की बातें करेंगे, डरावना माहौल बनाएंगे, माहौल तो तुम लोगों ने डरावना बना लिया, पर मेरे को डर बिल्कुल भी नहीं लगा। और पहली बात तुम दोनों की कहानी बहुत ही बेकार, हद से ज्यादा बेकार। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है फालतू की कहानियां सुनने में, समझ गई तुम दोनों? मतलब तेरे को भूतों से डर नहीं लगता? तेजस्वी मैं बताती हूँ, अगर तू अभी तक नहीं डरी मेरी कहानी से, इसी कहानी से,
या जो भी तेरे दिमाग में, ठीक है? अभी तेरी आंखों के सामने अगर हम भूत ले आए तो तब तू मानेगी ना कि भूत होते हैं? हाँ लिया, मैं यही बैठी हूँ, भूत को सामने बिठा, फिर भी डरूंगी नहीं मैं, क्योंकि भूत भूत कुछ नहीं होता, मान लो ये मेरी बात। गर्ल्स हॉस्टल में अकेले हो ना तो फालतू की बातें कर रहे हो तुम लोग। एक मिनट रुक, कॉपी और पेन चाहिए इसके लिए। हाँ बुला, भूत को बुलाओ। अब ये पेन जोड़ने के लिए चाहिए होगी रबर बैंड। ओ शीला, रबर बैंड दो एक मिनट। यार ऐसे करने से भूत आ जाते हैं क्या यार? यार निकल ही नहीं रही। पंक ले। देखते जस्वी, अब हम चार्ली को बुलाएंगे पूरे मन से, बिना डरे, आंखें बंद करके, ठीक है? चार्ली को बुलाना है। चार्ली वेयर आर यू, प्लीज कम हेयर, कहाँ हो चार्ली, आप हमारे पास हो तो हमें बताओ, ठीक है? और अगर चार्ली हमारे पास हुआ तो फिर ये पेन यस पे जाएगा, ठीक है? और अगर नहीं हुआ, और जैसे तू कहती है भूत नहीं होते, नहीं मानती मैं, तो फिर ठीक है, प्रूव हो जाएगा, चार्ली होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? करो। प्लीज कम है चार्ली, चार्ली क्या तुम यहाँ पे हो? चार्ली क्या आप हमारी बात सुन रही है? कहाँ हो चार्ली? अरे यार हो गया तुम दोनों का, कुछ नहीं हुआ, फालतू की हरकतें कर रहे हो, कुछ होता है क्या ऐसा? ऐसे तुम भूत से पूछोगे तुम यहाँ हो, तुम आ जाओगे, तो वो आ जाएगा क्या? फालतू की बकवास, मैं जा रही सोने, मूड की ऐसे तैसे कर दी। हाथ से घुमा दिया और मेरे को बेवकूफ समझ रहे हो? हाँ मैं नहीं मानती इन सब बातों में, भूत भूत कुछ नहीं होता, समझ गए? अब मेरे को जाना है सोने, अगर तुम्हारी ये फालतू की बकवास और सुनिए ना, सपने भी भूत वाले आएंगे, फिर रात में भी भूतों के साथ मेले में जाऊंगी। चुप रहो। मैं क्यों हाथ से घुमाऊंगी, मेरा हाथ तो तेरे हाथ में था ना। देख भाई मैंने भी देखा है, ये किसी ने नहीं घुमाई, खुद घुमा है। मत जा तेजू, एक बार हम इसको पूरा कर लेते हैं, अगर बीच में से इसको अधूरा छोड़ देना तो वो हमारे पीछे पड़ जाती है। तूने हाथ पहले छोड़ा ना, वो तेरे चिपट जाएगा अगर तू चलेगी। मत जा प्लीज। इतनी वेली नहीं हो, तुम पूछो, तुम करो, और जब तुम दोनों का मन हो जाए ना, जब ये भूत भूत खेल लो, उसके बाद सो जाना। मेरे को आ रही है नींद, मैं जा रही हूँ सोने, बाय पागल। ये दोनों कहाँ गई, अभी तक सो ही नहीं, क्या वही भूत बात की बातों में लगी हुई हैं, पागल। तेजू, शीला को देख के डर गई? डर मत, अभी मत डर, अभी तो तू और डरेगी। कोमल तू ये क्या बोल रही है? मजा आया उसको डराने में। चलो चलते हैं। कैसे? भूत 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 कर रही थी। आ गए ना मजे? डर गई ना तेजस्वी? मैं तो बोला ही था। रुको भी, और तो कोई है नहीं ना, बंगिया बाजे भी तो निकालनी है चन चन की। ये चन चन वाला तरीका तो पुराना हो गया, मैं तेरे को नया तरीका बताती हूँ, चल मेरे साथ। चलो। मुझे खुल रहा।
बाहर कैसे जाऊंगी? कौन से कमरे में आ गई मैं? ये भूत की बातें कर रहे थे, सच्ची तो नहीं है? खुद यहाँ का एक्स वार्डन हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये मैं पहले यहाँ पे वार्डन का ही काम करता था। अब तो नहीं कहते ना, तो जाओ नहीं, आप गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मेरे को जाने दो। प्लीज सुनो ना मेरी बात, एक तुम ही तो जो मुझे देख सकती हो, और मैं किसको जाके सुनाऊंगा? तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। ठीक है, मैं सुन लूंगी तुम्हारी बात, सुनाओ। आओ ना बैठो। ए बैठ तो मैं जाऊंगी, पर अगर ऐसा वैसा करने की कुछ सोची ना तो हमको कराटे आते हैं। नहीं नहीं, मैं बहुत संस्कारी भूत हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूंगा। तुम बस मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें सारी बात समझा देता हूँ। दूर रहना मुझसे। ठीक है, आओ यहाँ बैठो। देखो मैं तुम्हें जो अभी बात बताने जा रहा हूँ ना, उसको सुनने के बाद क्या पता तुम बहुत ज्यादा डर जाओ। ओ मैं किसी चीज से नहीं डरती, समझ गए? और वैसे भी तुम भूल गए कि मेरे को कराटे आते हैं, ऐसे मारूंगी तुम्हें। चलो अच्छी बात है, अगर तुम नहीं डरती तो मैं तुमसे ये बात बता दे रहा हूँ, मैं ना एक भूत हूँ। पूरे दिन में मैं ही मिली तेरे को पागल बनाने के लिए। तू भूत है तो मैं भगवान हूँ, और बेटा आशीर्वाद ले ले। मुझे पता था तुम मुझ पे यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैं अपना ये देखो डेथ सर्टिफिकेट लेके आया था। अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि मैं एक भूत हूँ? फेक डेथ सर्टिफिकेट दिखा दे। मैं पागल बन जाऊंगी। अरे पागल। अबे चल पागल किसी और को बनाइयो। अच्छा अगर तुम्हें ऐसे यकीन नहीं आ रहा ना कि मैं एक भूत हूँ, मैं एक और चीज करके दिखाता हूँ, तब तुम्हें पक्का यकीन हो जाएगा कि मैं एक भूत हूँ। तेरी आंखें लाल हो गई और तेरे दांत निकल गए, तो तेरे को क्या लगा कि मैं मान जाऊंगी तू भूत है? जादू कर रहा था तू, जादू कर रहा, सच बोल जादू कर रहा, मेरे को भी सिखा दिया जादू, मैं भी दांत निकाल दूंगी नकली दांत लगा के, नकली लाइन से लगा के। अच्छा अगर तुम्हें ऐसे भी यकीन नहीं आ रहा ना, मैं एक काम करता हूँ, तब तुम्हें पक्का मुझ पर यकीन आ जाएगा कि मैं एक भूत हूँ। ठीक है अब ये भी ट्राई कर ले, कर ले। मैं तुम्हें गायब होके दिखाता हूँ। ये देखो मैं गायब हो गया। तो गायब हो गया सच्ची में? कहाँ गया ये? कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? अब मैं आ रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं एक भूत हूँ, मैं कोई ज़ोंबी थोड़ी हूँ, और ज़ोंबी इंसान को मारते हैं, मैं तो एक अच्छा वाला भूत हूँ, मैं किसी भी इंसान को कोई भी चोट नहीं पहुँचाता। दूर है मुझसे, दूर है, और चला जाए यहाँ से वरना देख लियो, मेरे को तुझसे कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं सुननी, चला जाए यहाँ से। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंदर नहीं आ सकता? मैं ना 5 सेकंड में अंदर आ सकता हूँ। नहीं नहीं मैं आ रही हूँ। जय हनुमान, जय हनुमान सागर, चेक पिस्ती हो लोको जागे, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वरन विराज सुवेसा। हनुमान चालीसा तो मुझे भी आती है, और मैंने तुमसे पहले भी बताया कि मैं अभी जाके भूत बनाऊं, पहले तो मैं तुम्हारी तरह एक इंसान ही था ना।
हनुमान चालीसा भी आते हैं, अब मैं खुद को तुमसे बचाऊंगी कैसे? अरे बाबा तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, तुम ना मेरे साथ यहाँ बैठो, मैं तुम्हें सब सच समझाता हूँ। आओ देखो, जो अभी तुम्हारे साथ चार्ली वाला मजाक हुआ है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, वो तुम्हारी फ्रेंड्स का हाथ था, वो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। मैं तो यहाँ का एक्स वार्डन हूँ जो मर गया था और इस वजह से मैं भूत बन गया। क्या उन दोनों की इतनी हिम्मत, उन्होंने मेरा पागल बनाया। उन दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देखो तुम्हें अपनी दोस्तों के साथ जो भी करना है तुम वो कर लेना। देखो तुम्हें पता है मैं इस कमरे में बहुत सालों से बंद हूँ, मैं पहले इसी कमरे में रहा करता था, तुमने आके इस कमरे का गेट खोला, इस वजह से मैं तुम्हें ही दिखाई देता हूँ, मैं और किसी को नहीं दिखाई दे सकता। अच्छा तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे बस तुमसे एक मदद चाहिए। ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, पर उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मदद? कैसी मदद? मेरे को ना मेरे दोस्तों से बदला लेना है, उन्होंने मेरे को डराया ना, अब मेरे को उनको डराना है, और उन्होंने तो नकली भूत से डराया था ना, पर तुम तो असली भूत हो, तुम तो मेरी मदद कर सकते हो, तो अब हम दोनों मिलके उनको डराएंगे। ठीक है डील डन। डन। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सारा सामान अपने आप कैसे उड़ रहा है? अबे कहीं वो चार्ली भूत तो नहीं आ गया, हम तो मजाक कर रहे थे। मम्मी मम्मी मम्मी। वाओ यार तुम तो ऑसम हो, तुमने तो डरा दिया इसको। देखा मजा आ रहा है ना? हाँ मजा तो बहुत आ रहा है, पर हमारा काम यही खत्म नहीं होता। मेरी एक और दोस्त है जिसने इसके साथ मिलकर प्लानिंग करके मेरे को डराया था, हमें उसको भी डराना है। चलो चलो फिर जल्दी से उसे भी डराते हैं और मजा आएगा। आ चलो मजा आएगा, चल 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 आ जा चल। उई वो देखो वो जा रही मेरी फ्रेंड कोमल, हमें उसको ही डराना है। पक्का उसको ही डराना है? हाँ उसको ही डराना है, उसने मेरे को डराया था। अब देखो मेरा कमाल। गुलाब का काटा मत छानना। अबे ये कौन है? आगे शायरी नहीं आती, बेवकूफ मत छानना। ये कौन है? अबे तू कौन है? ओए ये झाड़ू कैसे उड़ रही है, ये तुमने करा ना? वाह यार तुम तो कमाल के, तुमने झाड़ू उड़ा दी। देखे ना मेरा कमाल। दीदी दीदी माफ कर दो, ये चार्ली तो नहीं, हमने चार्ली को बुलाया लेकिन वो तो मजाक था, रबड़ घूम गई थी इसलिए वो घूम गया था। नहीं 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 नहीं, मेरे घर में छोटे छोटे माँ बाप है, मुझे छोड़ दो। तुम्हारे क्या रे सब जागे जागे से उड़ा। अब ये काम करो, इस झाड़ू को ना उसके पीछे घुमाओ। ठीक है। वो भागेगी और झाड़ू उसके पीछे भागेगी। अरे कैसे भाग रही है, डर गई वो तो। यार तुम तो कमाल को कितना मस्त डराया उसको, उसको देखो कितना चारा डर गई है वो। अच्छा अब ना तुम्हारा तो बदला पूरा हो गया, लेकिन जो मेरा काम है अब वो करें। यार देखो वो जो तुम्हारा काम है ना वो मैं अकेले नहीं कर सकती, उसके लिए मेरे को अपनी फ्रेंड्स की हेल्प तो लेनी पड़ेगी। हाँ तो फिर ले लो ना। हाँ तो चलो फिर उनसे बात करते हैं, वैसे भी बेचारी डरी हुई होंगी बहुत ज़्यादा, तो पहले उनको शांत करवाऊंगी फिर तो उनसे बात कर पाऊंगी। ठीक है ठीक है चलो चलो। तेरे को पता मैं जब कमरे में आई ना मुझे ये सारा सामान उड़ते हुए देखा, मैंने तुझे तो कमरे के अंदर देखा। सुन मैं ना नीचे जा रही थी मैं इसका खाना लेने, और मैंने सुना पीछे आवाज आ रही है, भाई मैंने पीछे देखा ना तो पीछे एक झाड़ू उड़ रहे थे मेरे पीछे। गाइस तुम लोग इतने डरे हुए हो, सही हो तुम दोनों? दीदी मैं बताऊंगी। अरे रुको रुको, मेरे को सब पता है कि तुम दोनों के साथ क्या हुआ और क्या नहीं, और सच बताऊं तो मेरे को ये भी पता है कि जो भी मेरे साथ हुआ था ना वो तुम दोनों ने प्रैंक करा था। हाँ, यार वो ना पेन तो रबड़ बैंड की वजह से घूम गया था। अरे गाइस पर जो हमें हुआ है ना दोनों को वो सच में हुआ, तुम बात तो सुन। अरे मुझे सब पता है कि तुम दोनों के साथ क्या हुआ, और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम दोनों ने मेरे साथ प्रैंक करा था ना,
तो मैंने भी सोचा कि मैं भी बदला लेती हूँ, तो मैंने भी तुम दोनों के साथ प्रैंक कर दिया छोटा सा। अबे ये कौन सा प्रैंक होता है जो चीजें हवा में उड़ेगी? तेरे पास कोई जादू है क्या? हाँ हाँ ये बता, ऐसा थोड़ी जादू होगा कुछ। गाइस अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, देखो घबराना नहीं, कोई वैसी बात नहीं है। जो भी तुम्हारे साथ हुआ ना, वो मैंने ना एक भूत के साथ मिलकर करा था। चार्ली होता हमने ऐसे ही बुलाया था यार, वो भूत होता, वो ऐसे ही होता, मतलब बच्चे डर जाते, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ऐसे ही होता है। चार्ली वार्ली कुछ होता ही नहीं है। सच्ची बात बताऊँ ना, हम खुद भूत पे बिलीव नहीं करते, भूत होता ही नहीं है यार भाई। और इसकी पुश्तैनी यार, वो मैंने कहानी बनाई थी, हम तुझे पता पड़ोस गया, हमने बनाई हुई थी कहानी, वैसे होती ही नहीं है। और हमने यही कहानी बता के ना सबको डरा दिया था, याद हो तो। हॉस्टल वाली को हमने इसीलिए शुरू करी थी, हमें पता था स्कूल वाली से सब डरते हैं, तो हॉस्टल वाली से भी डरेंगे। यार एक बात बताओ सिंपल सी, मैं सामान कैसे उड़ा सकती हूँ? मैं कोई जादूगर नहीं हूँ कि मैंने चुटकी बजाई और सामान उड़ गया। देख मैंने अभी भी चुटकी बजाई, सामान उड़ा कोई नहीं ना, वो सब एक भूत ने करा था जो मेरे साथ है। नहीं 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 चिल्ला डर मत, अरे ये झूठ है, अगर वो सच है ना तो तू भूत को सामने ले आ, देख नहीं लाएगी, नहीं लाएगी। सुनो इनके सामने आ जाओ। नहीं नहीं ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं इनके सामने नहीं आ सकता। पर क्यों, ये दोनों तो मेरे दोस्त हैं, इनके तो सामने तुम आ सकते हो। तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, तुम्हारे दोस्तों पे थोड़ी भरोसा कर सकता हूँ। अरे तुम मुझ पे तो भरोसा करते ना, ये दोनों भी तो मेरे दोस्त है, मेरे पे यकीन करो, ये दोनों मेरे दोस्त है, ये किसी को नहीं बताएंगे कुछ भी। ऐसी बातें कर रही हवा में, इसे लगेगा हम भी डरे हुए ना, हम और डर जाएंगे, लेकिन ऐसी बात ही नहीं है, हम डरेंगे थोड़ी। अच्छा अगर तुम इतना कह ही रही हो तो क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ? इतनी देर से तो तुम और किस पे भरोसा कर रहे हो, मेरे पर ही कर रहे हो ना। हाँ तुम ये भी सही कह रही हो। हाँ तो फिर आ जाओ ना इनके सामने। पक्का आ जाओ ना? हाँ बाबा आ जाओ। ठीक है अगर तुम इतना कह ही रही हो तो आ जाता हूँ।